हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हैं जी एक नई जो है हंटिंग सीरीज़ की एपिसोड 3 के साथ। तीतर भी पीछे बोल रहे हैं। केपीके के जो है एरिया में हम मौजूद हैं। हम आए तो कबूतर के शिकार पे हैं, लेकिन मैं सोचा कि अगर तीतर भी मिल जाए तो उसका भी शिकार कर लेंगे। तो ये जो वीडियो है दिसंबर में रिकॉर्ड हो रही है। बैग लिमिट की बात की कर ली जाए तो आज संडे का दिन है। तीतर की 8 है, कबूतर और जो है फाख्ता की 10-10 है। तो इनमें से एक चीज़ जो है बैग लिमिट में हम मार सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं जी हमें क्या नसीब में है। जी जी दोस्तों, तो पहला तीतर हमने मार लिया है। इधर सरसों के जो है खेत में चला गया है, उसको शॉट लगा, लेकिन इंशाल्लाह शॉट अच्छा था, दूर नहीं गया होगा, अंदर मिल जाएगा हमें। जी तो मिल गया है। जी सुबह सुबह जो है तीतर हमें मिल गया। जी ये देखें, कबूतर भी नज़र आए हैं हमें, जाते हैं शायद कबूतर मिल जाए। जी तो एक पिजन मिल गया, 54 यार्ड था, बहुत बड़ा फ्लॉक है, तकरीबन 300-400 कबूतर का वो सामने बैठ गया है। लेकिन जो हमारे एरिया का कबूतर है, जो केपी के बेल्ट वाला, जो नॉर्थ वाला, वो मौका बिल्कुल नहीं देता। ये सामने आपको शायद पहाड़ नज़र आ रहा हो, तो ये इधर से पहाड़ से आता है थल वाली में, फिर वापस पहाड़ में चला जाता है। तो वो कबूतर बिल्कुल बहुत डरा होता है, इंसान को 100 यार्ड से नज़दीक नहीं आने देता। कभी चांस मिलता है तो 50 तक आने देता, वरना नहीं आने देता।
जी तो ये 85 यार्ड था तकरीबन, 10-15 यार्ड दूर जाके जो है गिर गया था। ये जी सामने पहाड़ है, इस जो है पहाड़ से कबूतर इधर आता है इन ज़मीनों में, फिर इधर से जो है फीड करके फिर वापस चला जाता है। तो ये इंसान को इतना देखता नहीं है, इसलिए इससे का वास्ता नहीं, इसलिए ये बहुत डरता है। दो फाख्ता बैठी हैं जी, उनकी तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो शिकार का हमने दी एंड कर दिया। एक हमें जो है तीतर मिल गया था, दो कबूतर और जो है दो फाख्ता हमें मिल गई थी। तो बैग लिमिट जो है बैग हमारा एक अच्छा बन गया था और बैग लिमिट में ही शिकार किया। हमेशा मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बैग लिमिट के अंदर ही हमेशा शिकार किया करें। तो दो कबूतर, एक तीतर और दो फाख्ता। तो ज़्यादा आज हमें फाख्ता नहीं मिली, सिर्फ दो ही मिली थी क्योंकि टाइम लेट हो गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।